प्रणाम सर। थोड़ा सा पीछे आइए भैया, विजय भैया थोड़ा सा बैठ लेते हैं। समझाया उनको मैंने, कहा कि 107 आपको ये है नोटिस, और उसके बाद कह रहे हैं डीएम साहब ने कहा है कि एडवाइजरी रूल के तहत आप आज कैद कहीं कैद रहेंगे। मैंने कहा मैं 107 नहीं लूँगा आपका। क्यों लूँगा मैं आपका 107? आप रखिए तो नहीं। आप अब 3 घंटे से हमारे यहाँ 5 इंस्पेक्टर नीचे गोरखा, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, तो ये कैद नहीं है। इससे बेहतर तो बांग्लादेश है, जो चिट्ठी लिख करके कहा कि आप सूची बना के सभी जात धर्म को मेरे यहाँ भेज दो, मैं उसको संरक्षण दूँ। तो हमको बांग्लादेश भेज दीजिए या बिहार से कहीं हम निकल जाएं, ख़त्म हो जाए। तो आप बिहार में नहीं रहे हम लोग, तो सबसे ज़्यादा खतरा पप्पू यादव से ही है। जिससे खतरा है वो ठीक, और जो खतरों को टालने के लिए डेमोक्रेसी की बात करता है, बेटी को बचाने के लिए आवाज़ देता है, देश की संविधान की सुरक्षा और इंडियन एकता की बात करता है, जामिया ANMU में आप गोली चला रहे हो, तो पप्पू यादव तो, और यहाँ जितने छात्र विंग हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उसमें पप्पू यादव को आप रोक रहे हैं। मैं नहीं निकल सकता हूँ, अभी मैं जली हुई बेटी को देखने जा रहा था, आप उसके लिए रोक दिए। एक सम्मान समारोह कंकड़बाग में है, उसके लिए रोक दिए। तो आप तो सब चीज़ों के लिए रोक। लेकिन तो क्या तो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए क्यों आए थे तीनों इंस्पेक्टर। मेरे पुराने संबंध इसलिए मिलने आए। बाहरे बाप, मतलब 4 इंस्पेक्टर के साथ पुराने संबंध इसलिए मिलने आए थे। नीचे गोरखा लैंड गोरखा फोर्स लगी हुई है, ऊपर रूम में 3 घंटे से, मतलब 3 घंटे से हम लोग क्या मतलब मिल ही रहे हैं। ये जो एडवाइजरी जारी हुई NRC को लेकर है, क्या आपको ये तो वही अब UNESCO जो हम लोगों का बंद है, देश की एकता के लिए और बेटियों की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा, और लाठी गोली के नोक पर आप मजबूर नहीं कर सकते हो हमें भारत की डेमोक्रेसी में रहने के लिए। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट से कश्मीर तक, और यहाँ तो कश्मीरों से बदतर हालत हमको कर दिया। सुबह से कुछ खाए नहीं है, अब खाने के लिए भी और आवाज़ बात करने के लिए भी मिलने के लिए भी सरकार से पूछना पड़ेगा। तो ये हालात इस देश में आपने पटना से लागू कर दिया, पहले कश्मीर और अब बिहार। बैठ लेते हैं, क्या बैठ लेते हैं। मैंने समझाया उनको, मैंने कहा कि मिनिस्टर है और उनको फोटो है। प्रणाम सर। थोड़ा सा पीछे आइए भैया, विजय भैया थोड़ा सा। वो नहीं आया, वो तो जिस दिन उसको नजर आ जाएगा तो उसकी है। दोनों रिश्तेदारों को भेजा।